खलियान बनाने के बाद पर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, 6 लोग हुए घायल, एक की हालत गंभीर। मामला श्योपुर जिले की आवदा थाने के ग्राम हलगावड़ा बुजुर्ग का है, जहां गांव में तालाब किनारे स्थित मंदिर की जमीन पर खलियान बनाने की बात पर गांव के ही दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जहां आपसी कहासुनी के बाद विवाद ने तूल पकड़ा तो आपसी विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जहां विवाद के दौरान दोनों ही पक्षों ने जमकर लाठी डंडे और तलवार चले, जहां खूनी संघर्ष में दोनों ही पक्ष के लगभग 6 से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना के बाद मौके पर आवदा थाना पुलिस के पहुंचने पर मामला शांत हुआ, जहां मामला शांत होने पर पुलिस ने घायल को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों द्वारा घायलों का इलाज किया जा रहा है। वहीं घायलों में से एक की हालत गंभीर होने पर एक व्यक्ति को रेफर कर दिया गया। इसी के साथ पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। ठीक है, क्या नाम है साहब का? बिनोद मीणा। क्या मामला है? मामला सर, धान के लिए जगह साफ कर रहे थे, उस मामला। तो धान के लिए जो आपके खुद के खेत है? नहीं नहीं, वो सरकारी जगह है। सरकारी खेत है? क्या बात है, विवाद हो? हनुमान जी की जगह है वो सरकारी। ये मामला सब हम जगह साफ कर रहे थे, ये लोग ट्रैक्टर और तलवार और बंदूक लेके आए, तो ट्रैक्टर से पहले दिन उन्होंने तार तोड़े, हमने मना करी तो तलवार दी, फायरिंग भी किया, इन्होंने मेरे गोली लग रही है, इनके आंख पे तलवार की लग रही, पिताजी के भी लग रही साथ में। तो ये जो झगड़ा हुआ है, ये जमीन को लेकर है? आप कोई बदल काट रहे? कोई बात, हमारी जमीन भी नहीं हुई, जमीन शासन की है, जमीन बालाजी की मांग है, हनुमान जी की जगह है, वो पंचायत सरपंच ने उसको निकाला था, पहले वहाँ तालाब था, उसको मिट्टी डाल के उस सरपंच ने वो किया। इसमें जो आपसे जो हमला हुआ है वो गांव के लोग है, किस गांव की घटना? हलगावड़ा बुजुर्ग, वो बुम्बई के रहने वाले, कौन लोग थे वो? वो है अपने पड़ोस में रहते हैं। पड़ोस में रहते हैं? अभी आप हॉस्पिटल आए, पुलिस में मामला दिया अभी आपने? हाँ, पुलिस की गाड़ी से आए। कितने लोग घायल हैं आपके? 4 लोग। 4 लोग घायल हैं, कोई गंभीर है इसमें? हाँ गंभीर है सर, गोली लगी है गंभीर। अच्छा, गोलियां चली है? हाँ। तो जो गंभीर व्यक्ति है, गोली उन्होंने चलाई है, जो गंभीर व्यक्ति है उसकी क्या गोली लगी है, तलवार लगी है? हाँ, ये तलवार इनके लगी है भैया के, और गोली मेरे लगी और पिताजी के तलवार लगी है, मेरे भी दी थी इनके लगी है। ठीक है, थाना आपदा को सूचना प्राप्त की कि अलगावड़ा गांव में विवाद हो गया है, दो पक्षों में, एक शासकीय जमीन को लेकर है, दोनों पक्ष इस पर कब्जा करना चाहते हैं, मारपीट हुई आपस में, और ऐसा बता रहे हैं कि गोली चलने की सूचना, इसकी तस्दीक की जा रही है, और दोनों पक्षों को, घायलों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, और जैसे मेडिकल रिपोर्ट आएगी वैसे कार्रवाई कर ली जाएगी।